वन विभाग का डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। सीएम फ्लाइंग और एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। दादरी के वन विभाग अधिकारी के निवास पर यह कार्रवाई हुई। अधिकारी के बेडरूम से 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां बरामद हुई। ठेकेदार से बकाया पेमेंट रिलीज करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। सीएम फ्लाइंग और एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक की संयुक्त कार्रवाई में वन विभाग का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों वन विभाग के डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है रिश्वत के मामले में। प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, किस तरह से रिश्वत के बारे में पता चला कि रिश्वत की मांग की जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए नासिर, ये चरखी दादरी के ये वन विभाग के डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी हैं दलीप सिंह, और इनको 3 लाख रुपए नगद 500 रुपए की 6 गड्डियां थी। उनके साथ सीएम फ्लाइंग रोहतक और एंटी करप्शन ब्यूरो जो रोहतक की संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और ये अधिकारी के निवास पर ये कार्रवाई की गई है। जो शिकायत करता था उसकी बकाया जो पेमेंट थी उसको रिलीज करवाने के साथ साथ एक FIR को दुरुस्त करवाने के अलावा और एक अन्य और मांग थी उसको लेकर ये 3 लाख रुपए मांगे गए थे। और इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारियों का ये कहना है कि टोल फ्री नंबर पर उनके पास ये शिकायत दर्ज हुई थी। अच्छा। और शिकायतकर्ता जो थे उसने जो बताया उसी के अनुसार ये पूरी कार्रवाई की गई और 3 लाख रुपए नगद बरामद भी किए गए हैं। और इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट रोहित सिंह जो जन स्वास्थ्य विभाग रोहतक के कार्यकारी अभियंता है उनकी उपस्थिति में ये पूरी कार्रवाई की गई है। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह के कुछ आरोप इन पर लगते थे, और किस तरह से जाल बिछाया गया इनको पकड़ने के लिए अधिकारी को? देखिए फिलहाल जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई में लगे हुए हैं, और अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर ये बताएंगे कि क्या कार्रवाई की गई, कैसे उनके द्वारा ये जाल बिछाया गया। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक बड़ी खबर चरखी दादरी से, ठेकेदार से बकाया पेमेंट रिलीज करवाने के नाम पर वन विभाग के अधिकारी ने, डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इस वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। सीएम फ्लाइंग और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके दादरी के वन विभाग के अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी के बेडरूम से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। एक बड़ी कार्रवाई चरखी दादरी में वन विभाग के डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी को गिरफ्तार करके की गई है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों वन विभाग के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।